श्री होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस साल धनतेरस को खास बनाने के लिए मैं आपके लिए बेहद आसान टोटके लेके आई हूँ। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन से समृद्धि, खुशियाँ और सफलता प्राप्त होती है। इस टोटके को अपनाने से रात भर में ही आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपको मनचाहा परिणाम भी मिलेगा। पहला टोटका, धनतेरस के दिन का एक अचूक टोटका यह है कि इस दिन किसी किन्नर को दान अवश्य दें और उससे 1 रुपये का सिक्का भी मांगे। किन्नर यदि सिक्का खुशी से दे तो बहुत शुभ माना जाता है। इस सिक्के को आप अपने पर्स या तिजोरी में रखें, आपके घर में धन हमेशा बना रहेगा। अगला टोटका, यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो इस धनतेरस आप उस पेड़ की टहनी को तोड़कर घर में लाएं जहां चमगादड़ बैठता हो। आप इसे अपने घर के ड्राइंग रूम में रखें। ऐसा करने पर आपको समाज में सम्मान मिलेगा और अपार धन की भी प्राप्ति होगी। अगला टोटका, धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाएं। दीपक के पास 13 कौड़ियां भी रखें। बाद में आधी रात के बाद ये कौड़ियां घर के किसी कोने में मिट्टी के अंदर दबा दें। ऐसा करने से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अगला टोटका, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए धनतेरस के दिन सफ़ेद चीज़ों जैसे चावल, कपड़े, आटा आदि का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप भी ऐसा जरूर करें। अगला टोटका, धनतेरस के दिन गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और इसके अलावा आप इस दिन अपने घर का पहला हिस्सा गौ माता के लिए जरूर रखें। गौ माता के लिए रखे गए अन्न के इस भाग को उन्हें खिलाएं और इससे क्या होता है कि आपके घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। तो यह टोटका आप अवश्य अपनाएं। अगला टोटका, आप इस दिन किसी मंदिर में जाकर केले के पेड़ को लगाएं। साथ ही आप समय समय पर इस पेड़ की देखभाल भी जरूर करें। आप केले के पेड़ के साथ किसी सुगंधित पौधे को भी अवश्य लगाएं। माना जाता है कि जैसे जैसे केले का पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में भी अच्छी होती है और प्रशस्त होती रहती है। तो यह टोटका आप अवश्य अपनाएं। अगला टोटका, अपने घर में समृद्धि के लिए आप इस दिन पूजन करते समय एक दक्षिणावर्ती संख का उपयोग करें और पूजा से पहले और पूजा के बाद संख से पानी लेकर जो भी भक्तजन आपके निकट बैठे हुए हैं उन पर छिड़कें। तो ये थे धनतेरस से जुड़े हुए बहुत ही आसान टोटके। तो आप भी यह सारे टोटके अपनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल श्री होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।